कांग्रेस पार्टी में अर्थशास्त्र समझने वालों को सम्मान दिया जाता है। 10 साल प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया जो अर्थशास्त्री पूरे विश्व में जिनका नाम था। हम इस तरह से हवाई घोषणाएं नहीं करते, सोच समझ कर। ये 10 गारंटियां बनाने के वक्त भी उससे पहले बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हुई, कई लोगों के साथ सलाह मशविरा हुआ। ऐसे ही नहीं कि डेढ़ आदमियों की सरकार नहीं होती हमारे यहाँ, हमारे यहाँ सब लोग मिलकर एक्सपर्ट से बात करके और फिर अपनी 10 गारंटी देते हैं। पहले भी सरकारें चलाने का अनुभव इस पूरे देश में अगर किसी पार्टी को सबसे ज्यादा अनुभव है सरकारें चलाने का तो वो कांग्रेस पार्टी को। तो इसमें किसी को कोई मन में संशय नहीं होना चाहिए कि ये हवाई बातें हैं, ये मेजरेबल हैं। कितने दिन में क्या करेंगे ये सब आपके सामने है, आप हमसे उस वक्त पूछ सकते हैं और ये करके दिखाया जाएगा, इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। जब सरकार में आएंगे तो वो एक्सपर्ट्स जो हमारे हैं हम लोग सब मिलकर ही सरकारें चलाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली से चलाई जाएगी सरकार, तो शिमला से ही चलेगी और पहले भी करके दिखाया है। कई राज्यों में इससे गंभीर स्थिति थी, उसको संभाला है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तब देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तब देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, 2 दिन का फॉरेन एक्सचेंज था, सुधारा ना। भाई मैंने आपको बताया, मैंने आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताया, बाकी राज्यों का उदाहरण दिया, देश की अर्थव्यवस्था का उदाहरण दिया। अब हिंट क्या दे रहा हूं, मैं तो खुलकर बोल रहा हूं, बिल्कुल होता है, लेकिन अगर नीयत साफ हो और सुनने की क्षमता हो, विशेषज्ञों की बात मानने की हिम्मत हो और रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में नहीं हो, हम तो ये डबल इंजन सिंगल इंजन में विश्वास नहीं रखते। हमारे यहां की सरकार पहले भी काम करके दिखा चुकी है, बाकी राज्यों में इससे बुरी हालत थी अर्थव्यवस्था की, वो भी संभाल के दिखा चुकी है, यहां भी दिखाएंगे। और उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए ये 10 गारंटी, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ बताता है। हम वादा कर रहे हैं और कल को हमारे में से कोई कह दे ये जुमला है, हमारी ऐसी पार्टी है नहीं, हमारी ऐसी संस्कृति है नहीं। हम गारंटी दे रहे हैं, आप लोग में से कोई भी हमारा कान पकड़ सकते कि आपने कहा था कि महंगाई की परेशानी कम करने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही, आप बोल सकते हैं। और हमारे में भी ये भय रहेगा कि इतने सारे पत्रकार आज यहां जो सुन रहे हैं, और उस दिन जब हमारी ये प्रेस वार्ता हुई, जब ये 10 गारंटियां सार्वजनिक की गई, तो आप लोग के हाथ में हम एक तरह से एक ऐसा हथियार दे रहे हैं जो अगर हमने ये वादे पूरे नहीं किए, ये गारंटियां पूरी नहीं की, तो वो हथियार आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतनी हिम्मत और इतना आत्मविश्वास तभी आता है जब मन में एक भावना होती है कि हम करेंगे, हम राजनीति में हैं तो यही करने के लिए हैं, अगर विपक्ष में हैं तो ये मुद्दे उठाने के लिए हैं, और अगर सरकार में हैं तो यह काम करने के लिए, नहीं तो हमें कोई अधिकार नहीं है राजनीति में रहने का। आज प्रतिभा जी से भी बात हो रही थी, पुराने दिन भी हम याद कर रहे थे वीरभद्र जी के, वो व्यक्ति अगर बोल देते थे कुछ वो प्रण होता था, वो पूरा अगर वो नहीं करते थे तो उनको भूख नहीं लगती थी, उनको नींद नहीं आती थी, परेशान रहते थे कि नहीं मैंने कहा है ये करना है, और या तो बोलेंगे नहीं और अगर बोलेंगे तो वो करके दिखाएंगे। तो हमारे यहां तो नेतृत्व की यह परंपरा रही है। ये एक सवाल अभी इन्होंने भी पूछा था, इस सवाल का जवाब तो 5 साल बाद बनता है ना। और अगर पिछली हमारे काम हम देखने हैं तो मैंने कहा हम में से कोई भी अभी निकल कर जाए, शिमला की ही गलियों में जाए, लेफ्ट और राइट देख ले, काम कांग्रेस का ही दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ पोस्टर दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा।